आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए गेहूं के आटे और हरी मेथी से बनने वाली मठरी की रेसिपी लेके आई हूं। ये मठरी बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी बनती है। ये देखिए, आप भी इस तरह से इन मठरियों को एक बार बना के ट्राई जरूर कीजिएगा। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है कि इस तरह से हाथों से तोड़ने से ये टूट जा रही है। इसकी परत भी बहुत ही क्रिस्पी बनी है, वो भी गेहूं के आटे से। तो आप भी इस मठरी को एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम इन मठरियों को बनाना शुरू करते हैं। ये 150 ग्राम हरी मेथी है जिसे मैंने धो के बारीक बारीक कट कर लिया है। इस मठरी को बनाने के लिए हमें मेथी को बारीक बारीक कट करना है, इसके पत्ते पत्ते ही काटने हैं, डंठल को अलग कर देना है। गैस पे कढ़ाई रख के उसमें मैं 1 चम्मच घी डाल रही हूँ, और अब उसमें डाल देंगे ये हरी मेथी। हरी मेथी को हम पहले थोड़ा सा पका लेंगे, पका के ही यूज करेंगे इसका। अब इसमें डाल देंगे 1 चुटकी नमक जिससे ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए मेथी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, इसे हमने 5 से 6 मिनट तक पका लिया है। 5 से 6 मिनट में ही ये मेथी सॉफ्ट हो गई है। अब बस हमें मेथी को इतना ही पकाना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे साइड में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये मठरी हम गेहूं के आटे से बनाएंगे, जिसके लिए मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसी कप से इस आटे को मैंने छान के ले लिया है। आप इस मठरी को मैदे से भी बना सकते हैं। अब उसमें डालेंगे 1/2 कप सूजी, 2 कप गेहूं का आटा और 1/2 कप सूजी। अब डालेंगे इसमें स्वाद के अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच सफ़ेद वाले तिल और 2 चम्मच मोयन के लिए तेल। सिर्फ इसमें 2 चम्मच के करीब तेल डालेंगे, ज़्यादा तेल हमें नहीं डालना है। और अब हमने जो ये मेथी पका के रखी थी उसे भी डाल देते हैं, और अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। मेथी को इस तरह से पका के डालने से उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और मेथी भी सॉफ्ट हो जाती है। अब इसे अच्छे से मसलते हुए पूरे मिश्रण को मिला लेंगे। ये देखिए आटे में मैंने मेथी और सारे मसालों को अच्छे से मिला लिया है, मोयन भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका टाइट डो बनाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट डो हमें तैयार नहीं करना है, बस थोड़ा थोड़ा पानी डालें और सख्त डो बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से एकदम टाइट होना चाहिए। अब इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं, जिससे सूजी अच्छे से फूल जाएगी। ये लिया है मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। जितना कॉर्नफ्लोर लेंगे उतना ही हम घी लेंगे, घी भी हम इसी तरह से जमा हुआ लेंगे। और अब इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते हुए इसका एक साटा तैयार करेंगे, मिश्रण। ये देखिए इसे मिलाते हुए इसका बस इस तरह से इसका एक पेस्ट बना लेना है। अगर आप इसके लिए पतला घी यूज़ करेंगे तो इसका ये पेस्ट पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ी देर के लिए आप उसे फ्रिज में रख दें। तो इस तरह से उसका मिश्रण तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारा ये साटा बन के तैयार हो गया है। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देते हैं साइड में। इसे प्रेस पे रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब इस आटे को एक बार और थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं और उससे बराबर बराबर लोइयां तोड़ लेते हैं। ये देखिए इस आटे से मैंने बराबर 9 लोइयां तोड़ ली है, और उसमें से 1 लोई लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा आटा लगाते हुए इसकी पतली रोटी बेल लेंगे। जितनी ज़्यादा पतली बेलेंगे मठरी उतनी ही खस्ता बनती है। तो इसे पतली रोटी की तरह बेल लेते हैं। आटा जितना सख्त गूंथेंगे रोटियां बेलने में परेशानी नहीं आएगी, आटा हमें लगाना नहीं पड़ेगा ऊपर से। ये देखिए आराम से हम इसे बेल पा रहे हैं।
जी देखिए, मैंने पतली रोटी बना ली है। अब इसे हम एक प्लेट में रख देते हैं और इसी तरह से दूसरी लोई से भी रोटी बना लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारी रोटियों को बेल लिया है, एक साइज में ही सारी रोटियों को बेला है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हमें एक साइज में ही सारी रोटियों को बेलना है। इसमें से एक रोटी ली है और ये जो हमने मिश्रण तैयार किया था कॉर्नफ्लोर और घी को मिला के, उसे इसके ऊपर लगाएंगे पतली पतली परत की तरह। आप चाहे तो इसे ब्रश से लगा सकते हैं, पर ब्रश से अच्छे से फैलेगा नहीं ये, क्योंकि हमने इसमें घी यूज किया है। तो इसे हाथों से ही पतली पतली परत की तरह इसे लगाएं। अब इसके ऊपर हम ये दूसरी रोटी रख देते हैं और उसको ऐसे चिपका देंगे, और ऊपर से हम फिर से ये मिश्रण को लगा देंगे। और अब इसे किनारों से मोड़ लेंगे, इसे साइड से पास पास ऐसे दबाते हुए रोल करेंगे, ये बिल्कुल भी नहीं रखेंगे इसमें हम। ये देखिए, अच्छे से ये चिपक गया और एक रोल बन गया है। मैंने इस मठरी को बनाने के लिए दो रोटियों का रोल बनाया है। आप चाहे तो इसे तीन या चार, जितनी रोटियों का चाहते हैं बना सकते हैं, पर जितनी रोटियां हम लेंगे मठरी का आकार उतना ही बड़ा आता है। मैं छोटी छोटी मठरियां बना रही हूँ, इसलिए मैंने दो रोटी ली है। अब इसे हम एक साइज में कट कर लेंगे। ये देखिए, इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे बेल सकते हैं बेलन से, या फिर इसको, इसका ये जो छोर होता है साइड वाला, इसको इसके ऊपर दबाते हुए हम इसे ऐसे चपटा करेंगे। ये देखिए, इससे क्या होगा कि इसकी जो ऊपरी परत है इसके ऊपर चिपक जाएगी और ये तेल में जाने के बाद खुलेगी नहीं। ये देखिए, इस तरह से सारी मठरियों को बना लेते हैं। ये देखिए, मैंने सारी मठरियों को बना लिया है। अब इसे हम फ्राई करने के लिए चलते हैं गैस की तरफ। ये देखिए, तेल को मैंने साइड में गरम करने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ है या नहीं। ये देखिए, तेल गरम हो गया है, उसमें से बबल्स आने लगे हैं। पहले तेल को अच्छे से गरम कर लेना है, उसके बाद ही हम इसे फ्राई करेंगे। अब एक एक करके सारी मठरियों को इसमें डाल देंगे। जितनी मठरियाँ इस कढ़ाई में आ जाएगी उतनी हम इसमें डालेंगे और फ्राई करेंगे। अब जब थोड़ी सी सिक जाएंगी तभी हम इसमें चम्मच चलाएंगे। तो चलिए, अब इसे पलट लेते हैं। ये अपने आप ही तैर के तेल में ऊपर आ गई है। जैसे ही अपने आप तेल में तैर के ऊपर आ जाएगी तभी हम इसे चलाएंगे, और धीरे धीरे इसकी परतें भी खुलने लगी। ये देखिए, बस अब इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, जिससे ये अंदर तक अच्छी कुरकुरी हो जाएगी। इन मठरियों को उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से देखिए, इसका कलर हल्का सा गोल्डन आया है और अंदर से क्रिस्पी हो गई है और अंदर तक अच्छे से फ्राई हो गई है। ये देखिए, तो चलिए अब हम इन मठरियों को निकाल लेते हैं और बाकी मठरियों को भी इसी तरह से फ्राई करके निकाल लेंगे। देख सकते हैं आप इसका कलर, तो चलिए हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मठरियों को फ्राई करके निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी बनी है इसकी आवाज से ही। गेहूं के आटे और हरी मेथी से हमने इस मठरी को बना के तैयार किया है। ये देखिए, इसकी परतें भी इस तरीके से खुल जाती है, एकदम खस्ता और कुरकुरी बनती है। ये देखिए बस ऐसे। तो आप भी इस तरह से इस मठरी को बना के एक बार ट्राई कीजिएगा, आपको भी ये मठरी बहुत पसंद आएगी। तो चलिए, हम फिर मिलेंगे इसी तरह की अच्छी और एक नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में।